हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन था कि भाई जो मर्चेंट नेवी होती है उसमें कौन कौन से ऑफिसर या इंजीनियर रैंक का रेफरेंस लगता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि मेरे मामा चीफ इंजीनियर हैं और मेरे अंकल जो हैं या रिलेशनशिप में जो भी है वो कैप्टन है, तो क्या वो रेफरेंस देंगे तो कंपनी मेरे को प्रेफर करेगी कि नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर उसी के बारे में जानेंगे कि कंपनी में किन किन आदमियों का रेफरेंस लगता है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। बताता हूँ कोई भी कंपनी हो, ठीक है, RPSL कंपनी और ITF कंपनी दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप RPSL कंपनी में जाना चाहते हैं तो RPSL कंपनी में किसी का भी रेफरेंस लग जाएगा। जैसे उसमें अगर आपका कोई AB काम कर रहा है या चीफ कुक काम कर रहा है, मैंने छोटे मोटे जैसे टग बोर्ड पर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर टग बोर्ड पर हुआ या सप्लाई वेसल पर अगर आपका फैमिली मेम्बर हुआ या आपका कोई रिलेशनशिप हुआ, अगर वो 7-8 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, तो वो कंपनी में बोलकर आपको बुला सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटी मोटी सप्लाई वेसल हो गया या छोटी मोटी कंपनी में हो गया। अब RPSL कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो अगर RPSL कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हाइएस्ट रैंक पर, जैसे कोई आपके यहाँ चीफ इंजीनियर है या कोई कैप्टन है रिलेशनशिप में, तो RPSL कंपनी में वो प्रेफर करेगा, तो कुछ हद तक चांस है कि वो आपको दे दें, ठीक है। तो ये हो गया। अब ITF कंपनी में मैं आपको बताता हूँ, जैसे एंग्लो एस्टर्न हो गया, ग्रेट एस्टर्न हो गया, सिनर्जी हो गया, TK टैंकर हो गया, मॉक्स लाइन हो गया, VSIF हो गया, WILSIF हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, ऐसी बहुत सारी ITF कंपनी। अगर ITF कंपनी में आप जाते हैं कि कोई रेफरेंस लगा दे तो रेफरेंस लगेगा, लेकिन वो भी पुराना होना चाहिए। जैसे कैप्टन 10 साल से कैप्टन पोस्ट पर सेल कर रहे हैं या 15 साल से कैप्टन पोस्ट पर सेल कर रहे हैं या 10 या 15 साल से चीफ इंजीनियर पोस्ट पर सेल कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर लेटर बना कर देंगे, कंपनी में लेटर जाएगा। लेटर जाने के बाद भी आपको कम से कम 1 से 1.5 से 2 साल के वेटिंग के बाद आपको जॉब मिले, ठीक है। तो ऐसा फंडा होता है, ठीक है। और बहुत सारे लड़कों का यह भी कमेंट था कि भाई पॉलिटिशियन का रेफरेंस लगता है कि नहीं, तो हाँ, पॉलिटिशियन का भी रेफरेंस लगता है, लेकिन पॉलिटिशियन भी होना चाहिए हाईएस्ट रैंक का, जैसे MP होना चाहिए या मिनिस्टर होना चाहिए। अगर वो लीक कर दे देंगे तो, या कॉल करके ऑफिस में बोल देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो में आपको अच्छी तरह से गाइडेंस कर दिया कि किसका कैसे रेफरेंस लगता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर मैं लेटर लिखवा के ले जाऊँ, लेटर लिखवा के ले जाने से कुछ नहीं होगा, उनको प्रॉपर कॉल करवाना पड़ेगा या उनको फेस टू फेस ले जाकर मिलवाना पड़ेगा, या आपको वो ले जाकर बोलेंगे कि दे दीजिए। तो ऐसे ही सब होता है रेफरेंस। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।